विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश करने शुरू कर दी है। इसी कड़ी में भाजपा के टिकट के लिए प्रबल दावेदारी पेश करते हुए किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश महामंत्री रामपाल यादव ने बिरली खुर्द में पार्टी कार्यालय का शुभारंभ किया। उन्होंने कार्यालय का उद्घाटन कर चुनावी शंखनाद किया एवं पार्टी के 43 वर्षों के अपने अनुभव के आधार पर कोसली विधानसभा से अपनी दावेदारी जताई। इस अवसर पर राजकुमार आर्य रोहतक ने दीपन काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। इससे पूर्व हवन यज्ञ का आयोजन हुआ एवं प्रसाद वितरित किया गया। भाजपा के सच्चे सिपाही किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश महामंत्री एवं प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्य यादव ने इस अवसर पर पहुंचे क्षेत्र के लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 43 वर्षों से उन्होंने पार्टी के लिए अपना श्रेष्ठ योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा अंतिम पंक्ति में बैठे कार्यकर्ता का भी सम्मान अच्छे से जानती है। उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताते हुए कहा कि फिर भी पार्टी का जो निर्णय होगा वह उन्हें मान्य होगा, किंतु पैराशूट से आने वाले दावेदारों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि वे सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि यादव ने विभिन्न प्रदेशों के विधानसभा चुनावों में चुनाव प्रभारी रहते हुए पार्टी को मजबूती प्रदान की है। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री विक्रम यादव ने कहा कि पार्टी के सच्चे सिपाही और वरिष्ठ कार्यकर्ता को टिकट में वरीयता दी जानी चाहिए। विक्रम सिंह यादव ने कहा कि आज पार्टी लगातार देश और प्रदेश में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। इस अवसर पर कुणाल यादव एवं कोमल यादव ने संयुक्त रूप से सभी का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर पूर्व मंडल अध्यक्ष भूप सिंह, वारंट ऑफिसर राम सिंह, कृष्ण स्वरूप, गोपीचंद मंदोला, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता सुभाष चौताज, सेवानिवृत्त कैप्टन ननिहाल सिंह, ईश्वर चौधरी, सरपंच हरि सिंह, नैन सुखपुरा, संदीप चौकी नंबर 2, सूबे सिंह प्राणपुरा, रिंकू बॉस, पूर्व सरपंच वेद प्रकाश, नाथू सिंह, हकीकत प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से जिला अध्यक्ष नवीन सैनी, जवाहरलाल दुहन, अजय यादव, सुरेंद्र सिवाज, चरण सिंह, कमल यादव, सुमेर सिंह, सुरेंद्र चौहान सहित सैकड़ों गणमान्य लोग एवं सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। आज हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई रामपाल जी ने एक मिलन समारोह रखा, और मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के मिलन समारोह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो एक दूसरे के आपस में मिलाप होता रहे, रखते रहना ही चाहिए। क्या कहेंगे, जो चुनाव है 7 राज्यों में उसमें से 10 सीटें जो इंडिया गठबंधन जीता है, एनडीए को पछाड़ दिया। देखो, विधानसभा का जो इलेक्शन होता है वो अलग होता है, वो स्थानीय मुद्दों का होता है। लोकसभा की जो बातें होती हैं वो देश के मुद्दों के ऊपर होती हैं। तो लोकसभा और विधानसभा में अलग अलग प्रांत के अपनी अलग अलग योजनाएं होती हैं। विक्रम जी, इस बार आपकी दावेदारी है कोसली विधानसभा से, क्या हम बिल्कुल कोसली विधानसभा से पूरी तैयारी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उन्हें कोसली की जनता फिर से आशीर्वाद देगी। इस बार लोकसभा चुनाव में जो है कोसली से जीत नहीं दर्ज पाई। देखो, कोसली की हल्का बराबर रहा है, 2 वोटों की हार जीत। जब 2 खिलाड़ी लड़ते हैं तो एक हारता एक जीतता है, निश्चित है। तो आज भी कोसली की विधानसभा की जो तैयारी है वो मैं कहना चाहूँगा कि वो कैंडिडेट के ऊपर निर्भर है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को अगर मजबूत कैंडिडेट दिया तो भारतीय जनता पार्टी को हम पूर्णतः बहुमत के साथ और विश्वास दिलाते हैं कि पुनः कोसली हल्के से एक बार हमारे जनता का आशीर्वाद मिलेगा और कमल का फूल खिलेगा। वजह क्या रही आपने? देखो, वजह आप लोग, मीडिया चौथा स्तंभ होता है, आप लोगों को वजह की जो बातें हैं वो शायद मेरे से अधिक जानकारी है। और वजह तो बराबर की जो पोजिशनें हैं वो आज हरियाणा के अंदर 10 से 5 सीटें आई हैं, तब भी जब 2 लगातार एक दशक से राज होता है तो कुछ एंटी कॉम्बिनेंसी हो जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा कोसली का दफ्तर आपके चैनल के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं उसको प्रत्येक गांव में पहुंचाने का अपना काम है, और निश्चित तौर से जो विकास के कार्य हैं वो सब गांव तक पहुंचे इसके लिए आप हैं। और आने वाले आगामी जो चुनाव है उसको तैयारी भी ध्यान में मद्देनजर रखते हुए इस बार अपनी मजबूत दावेदारी कौशल विधानसभा में रखी। तो भी आज हमने दफ्तर खोला है यहाँ पर, और इसके माध्यम से एक भी रोज लोग निरंतर यहाँ आएंगे, और इसी के पूरी कौशल विधानसभा में आने वाली 21 जुलाई से साइकिल यात्रा रहेगी,
एक एक आदमी को जनजागरण करने के लिए रहेगी, समरसता का भाव रहेगा, भारत की संस्कृति उत्थान और उत्थान करें और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है तीसरी बार हरियाणा में भी आदरणीय श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बने, इसी उद्देश्य को लेकर के संकल्प यात्रा रही। मैं आज इस क्षेत्र के आपने देखा होगा बड़ा जनसैलाब जो है, इस इलाके के जितने भी 138 गांव हैं सभी से अच्छे लोग यहां पर आए हैं अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपना समर्थन देने के लिए, और पुरानी हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है वो सभी लोग आए हैं अपना आशीर्वाद और सहयोग देने के लिए। तो जी जी 43 साल से भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और इस बार निश्चित तौर से अपनी बात जो है इलाका चाहता कि हमारे बीच में ऐसे व्यक्ति आए जो किसान और मजदूर की आवाज़ को बुलंद करने वाला हो और हमारे अपने बीच का आदमी हो, हमारी समस्याओं से भली भांति से परिचित हो, ऐसा भी आदमी हमारा नुमाइंदा।